सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए एक चोर की लाइव फुटेज के आधार पर कोतवाली थाने की पुलिस को मंदिर में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। पुलिस टीम ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से एक चांदी की कटोरी, एक पेचकस और 3100 नगद रुपया बरामद की है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान संतोष कुमार वर्मा पुत्र स्वर्गीय गंगा सागर निवासी शाहबाद गल्ला मंडी रोड थाना जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि महानगर के 2 थाना क्षेत्र में मंदिर में की गई चोरी के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। यह इसके पूर्व भी जेल जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, कोतवाली क्षेत्र में 2 मंदिरों में, एक रामगढ़ थाना रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में मंदिर में चोरी हुई थी। तो सीसीटीवी फुटेज में चोर का फोटोग्राफ्स भी आया था, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंतर उसे गिरफ्तार किया है। संतोष वर्मा ये शाहबाद गल्ला मंडी ब्रिजमनगंज महाराजगंज का रहने वाला है। ब्रिजमनगंज थाने से भी एक बार जेल जा चुका है और 1 वर्ष तक करीब जेल में रहा है। सर, यहाँ कहाँ रहता था, किस तरह घटना को अंजाम देता? यहाँ वहीं ब्रिजमनगंज से आता था और उसकी बहन ब्याही है खजनी में, वहाँ जाकर के रुकता था। सर, इसके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है? उसके पास से चांदी की चोरी गई कटोरी और नकद रुपए बरामद हुए हैं।